और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला कैथल दौरे पर है, जहां अनाज मंडी के आड़तियों ने रणदीप सुरजेवाला का समर्थन किया और कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आड़तियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जेपी दलाल के बयान पर भी पलटवार किया। मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी सबसे पुरानी अनाज मंडी, हमारी नई अनाज मंडी और हमारी सबसे नई अनाज मंडी, यहाँ जो और पूरे हरियाणा के आढ़तियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम इकट्ठे मिलकर संघर्ष करेंगे। ईश्वर की कृपा से 40 दिन के बाद जब कांग्रेस की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनेगी तो इसका हल निकालेंगे। पहली बात तो ये है कि बीजेपी चुनाव हार गई है, उन्होंने मान लिया है। अब तो उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, आप 15 दिन और रुक जाओ, ये सारे जोर जोर से बोला करेंगे कि हमारा कोई तंत्र नहीं। बीजेपी को आज जो उनके प्रति गुस्सा जनता में है, मुझे लगता है कि उन्हें डबल डिजिट वो छू नहीं पाएंगे।